Hello guys, what's up? This is Maryam Arif reporting live from her bedroom. Welcome back to my YouTube channel. Again, late ho gaya. Lekin mere paas time raat ko milta sahi hai. Ignore the juggling of this thing. Day wasn't really that good. Hallelujah. I had to, kyunki main gir gayi thi. Main yahan pe pani gira hua to usse gir gayi main neck bilkul na. It like pain ho gayi and neck mein pain hona shuru ho gayi to. Yeah, it was kind of painful. तो फिर मुझे like 2 बजे से 6 बजे तक सोना पड़ा, लेटना पड़ा क्योंकि neck इतनी अच्छी move नहीं कर रही थी. Obviously मैं गिरी हूँ तो यही होना है. बाकी you guys tell me about your day. How was your day? तो as you can see I'm wearing my night clothes and I'm going to go to bed soon, quite soon actually. ताकि मैं अपनी neck को rest दूँ, उसको सख्त ज़रूरत है rest करने की. और अगर पेपर्स के बारे में अपडेट दी जाए, मेरे पेपर्स जल्द होने हैं और मेरी इतनी ख़ास तैयारी नहीं है, लेकिन मैं हर रोज़ टेस्ट देती हूँ अपनी ट्यूशन वाले सर को. ठीक है, मैं मेहनत करती हूँ, मेहनत और मशक्क़त के साथ काम करती हूँ. उसके अलावा आजकल राइटिंग ज़ीरो पैसे या आई एम नाउ फोकसिंग ऑन अदर डोमेन्स. मैं राइटिंग से काफ़ी ज़्यादा यू नो many people know me from writing, पर मेरे पास अदर डोमेन पे और मैं उन पर सही तरीके से फोकस करूँगी ताकि मैं उनमें भी एक्सेल करूँ. तो ये एक ऐसी चीज़ है जिस पर मैं देखना चाह रही हूँ. आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर अदर डोमेन एज वेल लाइक यूट्यूब. आजकल मेरी यूट्यूब वीडियोज़ आ रही हैं ज़्यादा, टिकटॉक सैडली, बट यस आई वॉन्ट टू डिस्कवर टिकटॉक क्योंकि आई मीन वाई नॉट इट्स अ प्लेटफॉर्म. इंस्टाग्राम पे पहले बहुत कुछ हो रहा है, लाइक आई एम एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम एज वेल. इसके साथ साथ ये तो हो गया कॉन्टेंट क्रिएशन की बात. सही है, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स दैट कॉन्टेंट क्रिएशन थिंग. और इसके अलावा बात की जाए तो बाकी आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स यू नो म्यूज़िक प्रोडक्शन. सीरियसली म्यूज़िक प्रोडक्शन विल बी वेरी कूल. It's cool to produce music. It's fun to sing. और I think so आजकल हर म्यूजिशियन को TikTok पर होना चाहिए. अगर if especially if you're a musician, TikTok is the best place to be. तो I produce music, so I mean why shouldn't I be not on TikTok? तो ये दो डोमेन हैं जिन पर I'm working hard. इसके अलावा मेरे papers आ रहे हैं और मेरा मोस्ट प्रोबेबली इंटरव्यू भी है. 2-3 दिन बाद इंटरव्यू चैनल को देना है अपनी बुक्स के बारे में. और बेसिकली मैंने बाकी जो डोमेन्स हैं आई थिंक सो सिर्फ लोग मुझे बुक्स बुक्स की तरफ से जानते हैं. दे डोंट नो मच अबाउट माई सॉन्ग्स, अबाउट माई आर्टिकल्स, अबाउट माई साइंटिफिक स्टफ, द अदर पार्ट ऑफ मरियम आरिफ. यू नो जब आप काफ़ी ज़्यादा डिवर्स फील्ड्स में अच्छे होते हो ना, डिफरेंट मल्टी टैलेंटेड या फिर कुछ, तो फिर काफ़ी मुश्किल आपकी लाइफ हो जाती है क्योंकि आपको उस सारे तमाम टैलेंट्स को एक्सप्लोर करना पड़ता है. सही है, और जब आप एक काम नहीं कर रहे होते तो आपको लगता है आपकी एम्प्टीनेस आपको फील होती है. तो उसकी वजह से मुझे सारे डोमेन्स को करना पड़ता है. एंड पीपल बी लाइक यू शुड डू राइटिंग नाउ, आई वाना डू म्यूजिक, म्यूजिक में भी आना चाहती हूँ. आई वाना डू द पॉडकास्टिंग थिंग, आई वाना डू यूट्यूब, आई वाना डू टिकटॉक, आई वाना एक्सप्लोर ऑल ऑफ इट. आई मीन वाई नॉट, आई ओनली गॉट वन लाइफ. तो इट ऑल मेक्स सेंस इफ यू कैन डू ऑल ऑफ व्हाट यू वांट इन अ वन लाइफ. तो या आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स द अपकमिंग इंटरव्यू. सही है, एंड Yeah. I'm really looking forward towards that. तो बाकी अगर आपको और कोई इन्फो लेनी है मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो. लाइक आई सेड आई एम एक्टिव ऑन दैट नाउडेज. तो हम काफ़ी अच्छे तरीके से, मैं पोस्ट भी लगाती हूँ, स्टोरीज काफ़ी ज़्यादा लगा रही हूँ, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है. तो या बाकी मेरी बुक्स पढ़ी हुई है, मैं पढ़ती ही नहीं हूँ. सही है, मेरे पास इन बुक्स की रीडिंग का टाइम नहीं होता. सुबह उठती हूँ, बेटा टेस्ट होंगे भाई,
मैंने ऑन्कोलॉजी पे आर्टिकल लिखा है, लाइक लिटरली ऑन्कोलॉजी पे विदाउट दिस कोक, क्योंकि स्कूल की लेवल की स्टडीज टू लो, आई मीन टू लो यानी बहुत ही बेसिक होती है. आपको अगर किसी चीज़ में एक्सेल करना है, कोई चीज़ लिखनी है, यू हैव टू नो अ लॉट मोर देन जस्ट दैट स्कूल स्टफ यू लर्न. आपको सेल्फ लर्निंग इतनी करनी पड़ती है, 3-4 साल लगाने पड़ते हैं. जैसे मैंने ऑन्कोलॉजी पे जो आर्टिकल लिखा था, उस पर मुझे 3 साल लगाने पड़े लिखने के लिए. 3 साल पहले वो 2018 में एज अ बुक पब्लिश हुई थी. मैं लोगों को कहती हूँ कि 14 एज पे मेरी फर्स्ट बुक पब्लिश हुई थी, पर वो सच नहीं है. मेरी 12th पर थी पब्लिश, और मैंने बाद में अनपब्लिश कर दी थी क्योंकि वो इतनी अच्छी थी कि उसे एज एन आर्टिकल एक्सेप्ट किया गया, तो मैं उसे एज अ बुक अब कंसिडर नहीं करती. वरना मैंने एट द एज ऑफ 12th पब्लिश की थी अपनी फर्स्ट, तो ये एक चीज़ थी आई थिंक. सो हाँ 12th, क्योंकि अभी 2021 है, तो एट द एज ऑफ 12th जो भी 15 साल तब की थी. एंड इट्स नॉट ईजी यू नो, थी भी काफ़ी मुश्किल बुक, हाउ टू क्योर कैंसर ऑन होम लेवल, लाइक लिटरली. इसमें स्टार्टिंग में तो मैंने जो इन्फॉर्मेशन थी सारी पढ़ी, गैदर की, प्रूवन टेक्स थी उस पर और रिसर्च की, कंपोनेंट्स देखे क्या क्या चीज़ है, फिर उस पर क्या क्या कंट्रीब्यूशन करते हैं, कौन कौन से ऐसे डोसेस होते हैं, ब्ला 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 ब्ला, तो सारा किया. फिर मैंने कहीं जाके बुक लिखी. या बुक काफ़ी अच्छी गई थी. मेरी फर्स्ट सेल जो थी बुक से वो 2018 में हुई थी, जब पहले बंदे ने चीज़ खरीदी. आई वाज लाइक ओह माय गॉड, समबडी बॉट समथिंग, बॉट माय बुक, लाइक व्हाट. उसके बाद मैंने छोड़ दिया, सही है. फिर मैंने 14 एज पे पब्लिश किया 2 साल बाद, तो या तो वेल आई वाज बेसिकली जस्ट रियली आई डोंट नो हाउ आई एम फीलिंग राइट नाउ. लिटरली फीलिंग नथिंग नथिंग वियर्ड, दैट्स क्वाइट वियर्ड, क्योंकि लास्ट नाइट आई वाज जस्ट वेरी अपसेट, क्योंकि सबको लिटरली एवरीवन, आई फील लाइक एवरीवन इन अ कंपटीशन एंड यू नो इट्स जस्ट मी. मैं अपना काम करती हूँ, हर बंदा उठ जाता है खड़े होके, कंपटीशन हो, वी डिड दिस वी डिड दैट वी आर डूइंग दिस वी आर गोइंग टू डू दैट, लाइक आई सेड फैक्टर इन द जेलसी. आई डोंट नो व्हाई पीपल जस्ट डोंट वांट टू बी हैप्पी कि दूसरा खुश हो रहा है. दे जस्ट यू नो, एक्स्पेशली आपके जो एक्स फ्रेंड होते हैं, एक्स फ्रेंड वी कॉल दम एक्स फॉर अ रीज़न, एक्स फ्रेंड्स, एक्स टीचर्स, प्री टीचर्स, मैं प्री बोलती हूँ, प्री फ्रेंड्स, पुराने प्री, हाँ, तो प्रीवियस फ्रेंड्स, प्रीवियस टीचर्स, प्रीवियस क्लास फेलोज, प्रीवियस एनिमीज, दे ऑल सडनली एक्स्पेशली व्हेन यू गो वायरल और समथिंग लाइक दैट, दे जस्ट यू नो अकाउंट आपका खोलते हैं, दे चेक यू आउट एंड दे आर लाइक हाउ डिड शी गेट सो मच अटेंशन. और उनमें से कुछ जो होते हैं, दे स्टार्ट फॉलोइंग यू, दे स्टार्ट लाइकिंग योर पिक्चर्स, लेकिन मेजोरिटी ऑफ दम, एक्स्पेशली इफ़ यू हैड नॉट सो गुड फ्रेंड्स, दे विल जस्ट बी लाइक ओह. अच्छा, आप टॉपिक बन जाते हो, लाइक लिटरली लोगों की कॉन्वर्सेशन में दे आर लाइक ओ वी डोंट केयर व्हाट्स हैपनिंग, बट यू डू केयर, दैट्स व्हाई चेक आउट द स्टोरीज. सो इट्स काइंड ऑफ हिलेरियस व्हेन यू नो पीपल गेट टू नो यू. तो जो आपको पिछले जानने वाले होते हैं, आपको 3 साल से कॉन्टैक्ट नहीं करते, 6 साल से मुंह भी नहीं लगाते, वो अचानक आपको मैसेज करते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस, लाइक दे केयर. सो या ये एक चीज़ है जो अगर आपको कभी अचानक फेम मिले, या फिर आप अचानक, या फिर आप मेहनत करके फेम लो, सही है आप, तो आपको ये चीज़ बड़ी नोट करने को मिलेगी. सो अगर मैं अपने आपको प्रीवियसली एडवाइस देती, मैं ये कहती कि वेट अंटिल यू गेट फेमस, वॉच हाउ दे कम बैक. तो या दैट वॉज समथिंग रियली फन टू एक्सपीरियंस. ओके,
how they text you and you go like, oh my god, is it this the same girl who bullied me? It's just quite hilarious, honestly. कुछ में इतनी डिग्निटी होती है कि नहीं करते पर देर वॉच इन सो दैट सजेस्ट समथिंग. तो या इट वॉज इट्स जस्ट लाइक हैविंग अ रियली लवली लवली देखो बोला भी नहीं जा रहा है लवली कॉन्वर्सेशन विद यू गाइज. तो मेक श्योर टू अच्छा मैं देख रही थी अपने स्टैट्स मेजोरिटी ऑफ यू हैवन सब्सक्राइब्ड बट वॉच्ड माई वीडियोज वाई आई आस्क यू वाई वाह ऐसा लगता है कि जैसे कोई बंदा आइसक्रीम खाता है इंजॉय करता है पैसे छोड़ के पैसे दे के पैसे दिए बगैर चला जाता है. इट्स लाइक अनसब्सक्राइब सब्सक्राइब किए बगैर चला जाए कोई सही है वीडियो देख के इंजॉय करके अनसब्सक्राइब किए बगैर तो या दैट समथिंग. सो या आज की वीडियो के लिए इतना ही 10 मिनट्स की 11 मिनट्स की तकरीबन हो गए. तो या आज की वीडियो के लिए इतना ही. तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर टू सब्सक्राइब उन्हीं प्यार या तो या बाय गाइस आई हैव टू एडिट दिस वीडियो एज वेल एडिट.